और हमें पता है कि इस दिन पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया गया था। तब भी जब मार्शल लॉ लगा था तो एक बहुत बड़ी वजह उसकी कि अमेरिका खुश नहीं था जुल्फिकार अली भुट्टो से, और बल्कि हेनरी किसिंजर की एक कोट की जाती है कि उसने थ्रेटन किया था कि वी विल मेक यू हॉरिबल एग्जाम्पल। और तब भी एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कई इख्तलाफात हों उससे, लेकिन वो एक पाकिस्तान को आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ लेके जा रहे थे। मतलब ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि वो फॉरेन पॉलिसी जो अपनी अवाम की बेहतरी के लिए हो, यानी किसी और मुल्क से की को खुश करने के लिए ना हो, अपनी अवाम के क्या फ़ायदे हैं उसके लिए फॉरेन पॉलिसी बने। तो तब भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान, क्योंकि जो जमहूरी प्रोसेस था वो जो चल रहा था वो रुक गया। मार्शल लॉ आया और उसके बाद फिर से शुरू हुआ और हमने देखा कि वो फिर रुका बाद में जाके। लेकिन अब जो हुआ उसमें और उसमें जो एक ही चीज़ जो तब 77 में और अब जो चीज़ कॉमन थी वो ये कि अमेरिका खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना ले। वो चाहते थे कि वही फॉरेन पॉलिसी हो कि हुक्म मिले, एक टेलीफोन कॉल आए और पाकिस्तान उनकी जंग में शामिल हो जाए और 80,000 पाकिस्तानी जाने उनके लिए कुर्बान कर दे, अपने मुल्क का भी नुकसान करे, और आखिर में फिर बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमें ये कहा जाए कि जी आपको आपने हमारी मदद नहीं की अफगानिस्तान जंग में और हमें ही जिम्मेदार ठहराए। तो जो जो उसका नुकसान हुआ, जो हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ, जो उन्होंने यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके, जो कि जैसे ही उन्होंने जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए, वो पाकिस्तान के हम सब जानते हैं 30 साल से, ये वो लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल फेम है चोरी की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अखबारों में एक को 10% कहते थे आसिफ जरदारी को। नवाज शरीफ के ऊपर बीबीसी की फिल्म बनी हुई है कि कैसे इन्होंने वहाँ काजी फैमिली को पैसे भिजवाए। इसहाक डार ने अपने एफिडेविट में भी लिखा है कि पैसे यहाँ से चोरी करके वहाँ भिजवाए और वहाँ से रेमिटेंस दिखा के पाकिस्तान लेके आए, जो बार बार दोहराया गया। फेक अकाउंट्स, यही सिस्टम था, यहाँ से हुंडी हवाले से पैसे बाहर भिजवाओ चोरी करके और उधर से फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान पैसा लेके आओ। तो उसके ऊपर भी फिल्म बनी हुई है नवाज शरीफ के ऊपर। तो ये वो लोग जो पहले इन्होंने चोरी की, NRO 1 मिल गया, मुशर्रफ ने माफ किया, फिर से ये 10 साल आए फिर इन्होंने चोरी की। तो वो जो उनका मकसद जिनको ऊपर मुसल्लत किया था, उनका सिर्फ हम सब जानते हैं कि मकसद था NRO 2 लेना, और उन्होंने NRO 2 की सिर्फ उनकी जो कोशिश 3.5 साल मेरे दौर में हमें सिर्फ गिराने की कोशिश थी कि किसी तरह वो दूसरी दफा जो उन्होंने चोरी की थी वो बच जाए। अब आज क्या मैं जो जो असल वजह से मैंने आज ये आपके सामने कौम के सामने हूँ वो ये कि देखिए, एक पहले साजिश हुई, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सारी कौम जानती है कि कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई इतने थोड़े टाइम में नहीं हुई, और ये सिर्फ 2008 में, यानी 22 साल 14 साल पहले इस तरह की महंगाई थी। महंगाई सिर्फ इस बार पे नहीं गई, जो हमारी मईशत थी, जो कि साफ जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो जो सर्वे है उसमें जो बताया था कि सारी चीजें, यानी इंडिकेटर्स जो थे मईशत के, वो सारे सही रास्ते पे जा रहे थे। चाहे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, उसके बाद जो हमारी ज़राअत थी उनकी बड़ी जबरदस्त, 4 फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2 साल लगातार रही। तो हर चीज जब पॉजिटिव पे जा रही थी,
जब हमारी आईटी जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसकी जब हमने जो उनको इंसेंटिव दिए, वो भी 75% दो सालों में एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। तो जब एक मुल्क सही रास्ते पर जा रहा था, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, रोजगार में ये सबसे बरसगीर में वर्ल्ड बैंक की सर्वे सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान दे रहा था, उस वक्त के ऊपर ये साजिश की गई। और फिर जब लोग पहले ही तंग थे, पहले ही कौम की खुददारी जाग गई, कौम ने जब देखा तो ये कोई भी नहीं समझ रहा था कि इस तरह पब्लिक सड़कों के ऊपर निकलेगी। मैं भी अपने मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं समझ रहा था इस तादाद में पब्लिक निकलेगी। उमूमन तो लोग जब हुकूमत जाते हैं खुशियां मिठाइयां बांटते हैं, तो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। ये कोई भी जो साजिश करने वाले थे उनके जहन में भी नहीं था कि इस तरह पब्लिक सड़कों पर निकलेगी। उन्होंने समझा थोड़ी देर के बाद ये पब्लिक थक जाएगी, गर्मी बहुत है। उसके बावजूद पब्लिक मुसलसल सड़कों पर निकलती रही, और जब भी हमने उनको दावत दी, पुरमन एहतजाज की, अभी हफ्ते को कौम ने देखा कि किस तरह पब्लिक आई पिंडी और इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में, और सारे पाकिस्तान में लोग निकले। अब जो हो रहा है पाकिस्तान से, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि बजाय ये कर जो जिन्होंने भी साजिश में मुलव्वस थे, उनको ये सोचना चाहिए कि जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई, इनको कबूल ही नहीं कर रही, इन चोरों को नहीं अवाम कबूल कर रही, इनको चोर भी कहते हैं, गद्दार भी कहते हैं, और इन गद्दार ऐसे कि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे हैं, इनका नजरिया पैसे है। देखिए, जब नजरिया पैसा हो तो नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले, ये इसराइल को भी रिकग्नाइज करेंगे, इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानी की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि इनके पैसे को जिधर फायदा हो, ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमरीकनों को, ये फिर किसी अमरीकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे, ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे इसलिए कि क्योंकि अमरीका ना नाराज हो जाए, क्योंकि इनका पैसा, इनको खौफ यह है कि बाहर जिन बैंकों में और जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है, अगर वो नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में चला जाता है। तो इनका इंटरेस्ट वो नहीं है जो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, इनका इनका नजरिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका नजरिया पैसा है। अब कौम इनको मान नहीं रही, तो अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की फैशिज्म नहीं देखी जिस तरह का इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है। मैंने ऐसी कभी हालात नहीं देखे। अब मैंने सोचा शायद थोड़ी देर इन्होंने चले शुरू में थोड़ा सा इन्होंने टीवी के और मीडिया के ऊपर जोर लगाया, ब्लैकआउट कर दिया हमारा, वो इनकी बदकिस्मती थी कि सोशल मीडिया अल्लाह के फजल से एक नई चीज़ है, पुराने ज़माने में तो मीडिया को ब्लैकआउट कर दो तो ख़त्म हो जाता सन्नाटा, लेकिन सोशल मीडिया, और फिर कई मैं सलाम करता हूँ उन चैनल्स को जो खड़ी हो गई और उन्होंने दिखाना शुरू किया जिस तरह पब्लिक निकली। तो अब इन्होंने जो खौफ और हरासा फैलाया हुआ है, और मैं सबसे पहले शुरू करता हूं सहाफियों पे। देखिए, मार्शल लॉ के दिनों में हमें पता है पुराने जमाने में तो सिर्फ एक टीवी चैनल होती थी पाकिस्तान पीटीवी, तो उस वक्त बड़ा आसान होता था इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए। दुनिया बदल चुकी है, ये चाहें भी तो आप इसको रोक नहीं सकते इंफॉर्मेशन को। ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप खबर नहीं रोक सकते। अगर आप सहाफियों को डरा के धमका के FIRs करके या लफाफे दे के अगर आप उनका मुंह बंद भी कर लेंगे, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? हर जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज है, वो जिन घर में बैठे हुए ख्वातीन बच्चे बच्चों के पास आज आवाज है। ये एक ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ, इसलिए जो ये कोशिशें की जा रही हैं ये एक मुल्क को एनार्की की तरफ लेके जा रही है। और ये जिस तरह के सहाफियों से किया गया, मैं क्योंकि एयाज अमीर को हम मैं तो 30 साल से जानता हूँ, एयाज अमीर एक ऐसी आवाज़ थी कि सारा जो भी दानिश्वर तबका है पाकिस्तान का जो मीडिया में है वो सारे एक चीज़ जानते हैं एयाज अमीर की, एयाज अमीर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है, उसका लिफाफा नहीं दे सकते आप, उसका उसको वो एक ना डर पढ़ा लिखा इंसान है,
मेरी उससे बहुत तनकीद की हुई माजी में, क्योंकि ज़्यादातर तो मजाक उड़ाते थे मेरी पॉलिटिक्स का, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो उसे किया गया एयाज़ अमीर से उसकी उस उम्र में जिस तरह किया गया, ये हम सारी कौम के लिए ये है शर्मनाक वाकया। और ये एक पैगाम दिया गया है, ये बाकी सहाफ़ियों को पैगाम दिया गया। और फिर जो इमरान रियाज खान, देखिए जो भी आप इमरान रियाज खान के मुतल्लिक कहें, कौम उसको मुहिब वतन पाकिस्तानी समझती है, उसको गद्दार नहीं समझती। उसकी यूट्यूब पे जो फॉलोइंग है वो ऐसे नहीं है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आज जो चैनल, आज जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, जो खौफ में या पैसे लेके वो जब ये इन चोरों का साथ दे रही है जो ऊपर हमारे मुसल्लत हैं, उसकी रेटिंग आज देखें किधर चली गई है। जो चैनल्स हक और सच के साथ खड़ी है उसकी रेटिंग आसमान पे चली गई, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं हैं। एक बड़े दानिश्वर ने एक दफा कहा था कि थोड़ी देर आप सबको पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त कोई भी सबको पागल नहीं बना सकता। तो अगर किसी का ख्याल है कि चैनल को पैसे दे के, लिफाफों के जरिए ड्रा धमका के आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेंगे और लोगों को धोखा दे देंगे, वो वक्त गुजर गया है। और मैं ये नाम लेना चाहता हूँ ये सहाफ़ियों के, क्योंकि मुझे बार बार जो चीज़ें सामने हमारी आई हैं, अब अरशद शरीफ उसके ऊपर FIR कटवा दी। अरशद शरीफ जिस तरह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड से, वो सारे जानते हैं अरशद शरीफ उसका भी कोई कीमत नहीं है ज़मीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए। साबर शाकिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। तो साबर शाकिर को कोई आज से तो नहीं वो सहाफत कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, हम सब जानते हैं उसको, वो मुल्क छोड़ के चला गया। और मैं सभी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं, जमील फारूकी नौजवान है उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक कोई बात कर दे कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो FIR आ जाएगी। अदनान आदल वो, और मैं आरिफ अमीद भट्टी, मेरी बड़ी तनकीद करते हैं आरिफ अमीद, लेकिन आरिफ अमीद उसको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हें अब ये कर देंगे। और डॉक्टर मोहित पीरजादा यानी वो कोई गद्दार है, उसके ऊपर उसको खौफ डराया जा रहा है। और मैं सियासत पीके का खास तौर पे कहना चाहता हूँ, एक अदील नौजवान है वो कैनेडा चला गया है क्योंकि उसको इतना इन्होंने खौफ डराया और धमकाया। हमारा अरसलान, हमारे तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए, उनकी वहाँ माँ थी, उनकी बहनें थी, वो वहाँ उसका कज़न आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के, खौफ फैलाया हुआ। फिर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, वो मेरे पास आए, वो कोई बात करने हैं, वो इसी दौरान में आए, उनको कॉल चली गई वहां से, ओ कि आपने ये नहीं कहना, वो नहीं लिखना। देखें बात सुने, मैं आज ये सवाल पूछता हूँ सबसे, अपनी कौम से, और मैं अपने अपनी जुडिशरी से सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? पहले बता दें क्या मार्शल लॉ लग गया यहाँ, कि ये कौन सी क्या आईन इजाजत देता है इन चीजों का? ये तो मैंने आपको गिनाया है, मेरी जो अपनी पार्टी है जो कैंपेन पे निकला हुआ है, जो 20 हलकों में वहां जाके जी वो मौजम जो तो है उसके ऊपर FIR काट दी। एक शराफत लड़का है वो हमारी कैंपेन करा था, उसको वो पैसे वाला आदमी है, 40,000 रुपए की चोरी के केस में उसको अंदर जेल में डाल दिया, वो वहां से निकला फिर उसको जेल में पकड़ के डाल दिया जब वो उस एक केस में फारिग हुआ। यानी ये क्या कोशिश हो रही है? मैं फिर से अपनी अदब से, अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या मुल्क में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए हैं? 25 मई को जब हम निकले एक पुरमन एहतजाज के लिए, और हमारी सारी तारीख है पुरमन एहतजाज की, अभी जो सैटरडे को हम निकले हैं, कितनी पब्लिक निकली है पुरमन एहतजाज में, लोगों को गुस्सा बहुत है। लेकिन जब एक पोलिटिकल पार्टी पुरमन एहतजाज करती है तो ये एक मुल्क में क्यों से बचता है मुल्क? 25 को इन्होंने क्या किया? जिस तरह ही औरतों रात के 2-2 बजे औरतें थी, कोई एक सीन मेरे जहन में रहता है, वो एक 10 साल की बच्ची और उसकी माँ
और वो रो रही हैं खड़ी होके कि पुलिस वहां घुस गई सुबह के 2 बजे उनके घर। फिर एक 11 साल के बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि उसका बाप घर में नहीं था। क्या ये मकबूजा कश्मीर है? क्या ये फलस्तीन है? फलस्तीनियों से हो रहा है? कौन सी दुनिया में एक अपनी हुकूमत अपने लोगों से वो करती है जिसकी कोई तारीख ही नहीं है? बताएं, हमारी कोई तारीख है इंतजार की? हम हमेशा कानून के बीच में रहे हैं, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी पे चले हैं। हम जब फैमिलीज को बुलाते हैं, और आपने देखना जितनी ख्वातीन आती हैं और फैमिलीज आती हैं हमारे जलसों पे, तो क्या वो इंतजार के लिए हम बुलाते हैं उनको? उनके ऊपर जिस तरह 25 को इन्होंने जुल्म किया, जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस ने और रेंजर्स ने जिस तरह लोगों के ऊपर टेयर गैसे की, रबर बुलेट्स चलाई, आम लोग थे, शहरी थे, औरतें देख रहे थे सामने, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, औरतें बेहोश हो रही हैं, जिस तरह लिबर्टी चौक में कौन सी क्यामत आ गई थी, वो लोग जमा हुए वहां जाके उनके ऊपर शेलिंग कर दी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आज सारी कौम के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो टैक्टिक्स है ना, फैशिस्ट, खौफ फैला के, डरा के लोगों को, ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, मैं पहले तो सारी कौम को आज एक चीज कह दूं, देखें इस्लाम की तारीख में एक बहुत दर्दनाक वाकया, सबसे दर्दनाक वाकया क्या था? हजरत इमाम हुसैन की शहादत। वो क्या हुआ था? कूफा के लोग यजीद के जुल्म से डर के वो उनकी मदद करने नहीं आए। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उन सबको पता था। खौफ की वजह से उन्होंने इतना बड़ा इस्लाम की तारीख में सानिया होने दिया और वो सारी जिंदगी पछताए। तो मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि हर दौर के यजीद आते हैं और यजीद लोगों को गुलाम ही बनाते हैं खौफ के जरिए, जो ये कोशिशें हो रही हैं। FIR मेरे ऊपर 15 FIR कटी हुई हैं, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे। देखिए, मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं चुप हूं, जब से ये हुआ सब कुछ मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा, मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पर रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है, ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किसने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहां, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका ये हमजा शरीफ, ये सवा दो महीने से इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ? हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में, 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं, ये 2 महीने में फैसला नहीं हुआ कि क्या ये एक आईनी तौर पे वजीर आला बन भी सकता था या नहीं। वो और बात है कि इन दोनों को अंडर ट्रायल थे, कभी इनको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी, इनको तो पेपर रिजेक्ट हो जाने चाहिए थे, इनके तो FIM में 16 अरब रुपए के केसेस थे, पहले तो उनको इजाजत दे दी, उसके बाद जाके जब डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद कैसे ये रह गया इतनी देर वजीर आला? और वहां वजीर आला नहीं, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, जो जरा पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाय इलेक्शन में जो हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतजामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन, क्या ये तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला लें? और क्या ये इलेक्शन है मुल्क में? जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, जरा सिर्फ तफ्तीश करें इंडिपेंडेंट लोग जाके कि अंदरून सिंध में हुआ क्या। 15% लोगों ने क्यों नहीं खड़े हुए, 15% लोग खड़े ही नहीं हुए, अनपोज जीत गए, पता तो चलवाए कि कैसे पुलिस का इस्तेमाल, कितनों के ऊपर FIRs कटवाई,
कैसे दहशत फैलाई वहां। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं कि करप्ट, पहले आप गलती करते हैं, एक 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 साजिश के अंदर शिरकत करते हैं एक बैरून मुल्क की, फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, मायशत का और मायशत नीचे और महंगाई ऊपर, और फिर उनको ऊपर मुसलत करने के लिए सारे इदारे तबाह करते हैं मुल्क के, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तबाह करते हैं, इलेक्शन कमीशन को, इंतजामियों को, इनको सारों को इस्तेमाल करते हैं इनको पावर में रखने के लिए। मेरी दरख्वास्त है अपने सारे मुल्क के इदारों को, अपनी कौम को, कि ये एक फैसला कुन वक्त है। यहां अगर हमने किसी वजह से, मैं कौम को अब कह रहा हूं, खौफ के बुत के सामने झुक गए, तो ये आगे ये चोरों का ये वो करेंगे उस मुल्क के साथ, कि ये याद रखें कि ये 30 साल से दोनों पार्टीज पावर में हैं, 30 साल से इनके होते हुए। आपको पता है कि 80 की दिहाई में पाकिस्तान सारे बड़े शरीर में सबसे आगे था, 90 की दिहाई में जब से ही आए हैं हमारे आगे, हमारे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। कुछ हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। मैंने वहां जाके मैचेस खेले हुए हैं 80 की दिहाई में, कोई सोच भी नहीं सकता था आज बांग्लादेश भी आगे निकल। ये इन दोनों की खानदानों की वजह से जिनको वापस मुसलत किया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ खौफ के जरिए कोशिश है कि अब इनको फिर रखें। मैं सारी कौम को कहता हूं कि हमने ये जो 20 इलेक्शन लड़ने हैं, बाय इलेक्शंस पंजाब के अंदर, हम सारी कौम ने घरों से निकल के वोट देनी है। हमने इनकी धांधली के बावजूद इनको हराना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये इस मुल्क के लिए जहाद लड़ी जा रही है, क्योंकि असल में ये हकीकी आजादी की जहाद है और इसमें आपने सब ने शिरकत करना है। ये नहीं हो सकता कि आज सारे लोगों के ऊपर जो मुल्क जहाद लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क में इदारों को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत के लिए, उनके ऊपर FIRs हो जाएं, और जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं वो दंदराते फिर रहे हैं, आसिफ जरदारी ऐसे फिर रहे जिस तरह वो पाकिस्तान का कोई बादशाह है, दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ चौड़ा हो रहा है, वो वापस आने की सोच रहा है, वो इसहाक डार जो कि मुल्क से बाहर भागा हुआ था, जिसका एफिडेविट भी है हुदैबा पेपर मिल में, वो तैयारी कर रहा है वापस आने की, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA के केसेस थे, जिसमें 4 गवाह अब तक जब से ही आए हैं 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है और एक को अब हार्ट अटैक हुआ हुआ है, और क्या वो कौन कैंपेन कर रही है इस वक्त पंजाब में? मरियम, ये मरियम वो हैं जिन्होंने सारे TV के ऊपर जाके कहा 2014 में, इनकी चलती है वो, कि मेरी लंदन तो पाकिस्तान, लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। जब ये कह रही थी, इनको नहीं पता था कि 2 साल के बाद, क्योंकि अल्लाह अल हक है, पैनमा का इंकशाफ हो जाता है, जिधर पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मैं लंदन जानता हूं, सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महंगे तरीन अपार्टमेंट्स इनके नाम पे, जब ये 2014 में कह रही थी तब इनके नाम पे थे, और 2016 में इंकशाफ हो जाता है। फिर अदालत में जाके इनको सजा होनी चाहिए थी कि ओथ के ऊपर ये कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें जिस फॉन्ट जिसे कलिबरी फॉन्ट कहते हैं वो निकलती है फॉन्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, वो 2007 में आती है और 2006 में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जाते हैं, यानी जाली कॉन्ट्रैक्ट, सीधा जेल था इसके लिए। बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि ताकतवर पकड़े नहीं जाते, और FIR किन के ऊपर हो रही है? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो साफी जो के सच लिख रहे हैं। हमारा अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, यहां ये सारा निजाम हमें कह रहा है बुराई के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े होगे तो FIR कट जाएंगी। सारे मुल्क का नजरिया भी तबाह कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ भी तबाह कर रहे हैं, इदारे भी तबाह कर रहे हैं, नैब भी आज गई, नैब का इन्होंने अब खुद ही नैब के जज अपॉइंट करेंगे, अपने केसेस अपने जज, यानी मुलजिम अब काजी बन जाएगा। FIA तबाह, नैब तबाह, पार्लियामेंट ये जो है, अगर नेशनल असेंबली में राजा रियाज अगर ऑपोजिशन लीडर है तो समझ जाए वो क्या रह गई नेशनल असेंबली की अहमियत। उधर पंजाब में अजीब ही मजाक हो रहा है, वो एक गैर आइनी तौर पे वो वजीर आला बना हुआ है, वो भी तबाह।
इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद नहीं है। चीजें निकलती आ रही है कि किस तरह, सिर्फ इनका एक मकसद है किसी तरह इस सेटअप को ऊपर रखने के लिए। तो इसलिए मैं अपनी आज सारी कौम को कहता हूं कि हमें अब खड़ा होना पड़ेगा। हमें ये सारी जो फैशिस्ट टैक्टिक्स खौफ के जरिए हमें डरा धमका के ये तस्लीम करवा रहे हैं, हमने सब ने इसके खिलाफ खड़ा होना है। और सबसे पहले हमने ये जो 20 बाय इलेक्शंस हैं पंजाब में, इंशाल्लाह उनके अंदर हमने इनको धांधली के बावजूद शिकस्त दे के, और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो एक ही तरीका पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने का, वो है साफ और शिफाफ इलेक्शंस। पाकिस्तान पाइंदाबाद।